देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से मजदूर दौर में प्लास्टिक बन गई है। वहीं ये समस्या छत्तीसगढ़ की भी है। छत्तीसगढ़ जैसे हरित प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। विशेष तौर से गोवंश के लिए एक बड़ा खतरा पॉलिथिन बन चुका है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार ने तय कर लिया है कि आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बना देना है। प्लास्टिक जहां देखो वहां प्लास्टिक, बाजार में, सड़क में, घर में, ऑफिस में, हर कहीं प्लास्टिक ही प्लास्टिक। प्लास्टिक के इसी कचरे से मुक्ति का संकल्प लिया है कांग्रेस सरकार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शहरों को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त कराने का अभियान छेड़ दिया है। जगह जगह जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन की ओर से सख्ती भी बरती जा रही है। अधिकारी कर्मचारी दुकानों और ग्राहकों के बीच पहुंच रहे हैं। कहीं अपील, कहीं निवेदन, कहीं नियम कानून, तो कहीं जन भागीदारी के साथ प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि अब लोग प्लास्टिक की जगह कागज या कपड़े से बने थैले का प्रयोग कर रहे हैं। अधिकारी भी कहीं कहीं औचक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की पड़ताल कर रहे हैं। अब पॉलीथिन पर बैन लगाने के लिए जो निर्णय लिया है, स्व सहायता समूह या एनजीओ या और भी जो युवा हैं, उनसे अपील भी की जा रही है, निवेदन भी किया जा रहा है कि वो अपने घर से अगर सब्जी लेने जा रहे हैं तो वो कपड़े का थैला लेकर जाएं, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग हो या उपयोग ना हो तो और ज़्यादा बेहतर होगा। जो फैक्ट्री जो पॉलीथीन बनाते हैं उनसे बुलाकर प्रॉपर मीटिंग की गई है कि 50 माइक्रोन से नीचे की किसी प्रकार की भी अगर कहीं पॉलीथीन शहर में पाई जाएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में हमने 2-3 बड़ी कार्रवाइयां भी की। वही प्लास्टिक से मुक्ति के इस अभियान में सरकार ने स्व सहायता समूहों को भी जोड़ने का काम किया है। समूहों को कपड़े व कागज के थैले बनाने का काम दिया जा रहा है। वही विभिन्न प्रमुख स्थानों, चौक चौराहों, बाजारों को पूरी तरह से नो प्लास्टिक जोन भी घोषित किया जा रहा है। प्लास्टिक से मुक्ति के इस अभियान से समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिशें भी की जा रही हैं। आज प्लास्टिक से सबसे ज्यादा किसी को नुकसान है तो वो गोवंश को है। गाय बैलों को प्लास्टिक खाने से बचाने का हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। सड़क किनारे कचरों के ढेर में प्लास्टिक को रोका जा सके, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हर बाजारों में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ महिलाओं को आइडेंटिफाइड किया है या गरीब परिवार की महिलाओं को आइडेंटिफाइड करके हमने उनको निःशुल्क दुकानें दी हैं ताकि उस जगह पर बैठकर वो झोला बेच सके। वो लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि झोला लेकर बाजार आए और जूट का बैग लेकर बाजार आए। इन तमाम स्थितियों के बीच भूपेश सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि हर एक छोटी कोशिश से आने वाले कुछ वर्षों में प्लास्टिक से गोवंश पर मंडराते खतरे और पर्यावरण प्रदूषण से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सहयोगी सत्यपाल सिंह राजपूत के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।